बामोरकला थाना क्षेत्र में बीते दिनों मिली लाश का बामोरकला पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने किया मात्र 72 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश। नवयुवक के दोस्त ही निकले उसके हत्यारे। आपसी रंजिश की वजह से दो दोस्तों ने मिलकर की थी अपने ही दोस्त की हत्या। बामोरकला थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक शव मिलने से बामोरकला सहित आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां शव मिलने से बामोरकला पुलिस के लिए सर दर्द बन गई थी। एक और मृतक युवक के परिजन हत्या को लेकर पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे थे। वहीं दूसरी ओर बामोरकला थाना प्रभारी नीरज राणा जल्द से जल्द इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ व मुखबिरों की मदद से मात्र 72 घंटे में इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया गया। बामोरकला निवासी दो नवयुवकों को हत्याकांड का अभियुक्त पाया गया। गौरतलब है कि दोनों नवयुवक मृतक के दोस्त हैं और पुरानी रंजिश की वजह से दोनों ने मिलकर अपने दोस्त की बेरहमी से पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। दोनों नवयुवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। हाँ तो सर, जो अभी जी मर्डर का खुलासा हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बली सिंह यादव जी। हाँ, ब्लाइंड मर्डर था जी। क्या पूरा क्या मामला है ये? ये इन लोगों की आरोप भरी है, इसकी मृतक की बली सिंह यादव इन लोगों से, एक छोटे राजा है उससे जिम जाते हुए, तो जिम जाते थे तो उसमें से विवाद हो गया था जिम में। और जो निखिल है सोनी, उससे इसका एक बार वो अलग विवाद हो गया था। तो ये दो आपस में वैसे तो दोस्त हैं, अभी भी साथ में रहते थे सभी तीनों लोग, लेकिन ये अंदरूनी जो दोनों लोग उससे रंजिश रखते हैं। और सर, जो इन लोगों ने जो आपने मुलजिम पकड़े हैं, इन लोगों का क्या कहना है? इनने इतने बड़ी जो साजिश रची, ये क्यों, क्या कारण रहे? बताया ना मैंने, इसीलिए कि लड़ाई हो गई तो इसलिए झगड़े का मुख्य कारण, झगड़े का कारण था अंधा कत्ल था। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उन्होंने हमको पूरे फोर्स को बहुत बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं निकालना ही है। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के ही मार्गदर्शन में ये सारी कार्रवाई। सर, महज 72 घंटे में आपने पर्दाफाश कर दिया? तो शीर्ष क्रम का भरोसा था ना, शीर्ष क्रम का प्रोत्साहन भरोसा हम लोगों ने, फिर पूरी हमारे थाने की पूरी टीम ने, सब ने सारे काम रोक कर हमने दिन रात मेहनत करके परिणाम आपके सामने